अजमत है जी मुस्तफा करीम को तो गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमा वसलाम उन अलैहि यौम मौलिदा सलाम होवे उन हां दी विलादत दे दिन उते क्यों सलाम आख्या जद कौन ने दीवानी सारी सारी जात दी जाके इबादत की थी ते पांव सोज के मां मुतमर हो गए ते महबूब ते दुखे च नहीं ना वेखे जांदे अल्लाह ने यार दे पांव दी सोजन वेखी ते खालिक ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल खुम लैल इल्ला क़लील नस्फहु अव इनकुस मिनहु क़लीला फरमाया मुज़म्मिल दी भुखल वालिया सारी रात ना जागया कर अद्धी रात आराम कर लिया कर ते अद्धी रात क़याम कर लिया कर गुलाम हुसैन साहब ओ रब जेड़ा मेनू ते सानू सारे नु कहंदा या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला अल्लाह फरमांदा ईमान वालों कसरत ना मेरा जिक्र करो या अल्लाह कितनी कसरत ना अल्लाह फरमांदा बुकरतन व असीला दिन भी मेरा जिक्र करो ते रात भी मेरा जिक्र करो साडी वारी आई ते सानू कहंदा दिन रात जिक्र करो यार दी वारी आई ते फरमा तू अद्धी रात आराम कर लिया कर सुभान अल्लाह सानू कहंदा ज़िक्रन कसीरा यार नो कहंदा कुमिन लैला इल्ला कलीला मेरी मिल्लत नौजवानों जो अल्लाह ने फरमाना सारी रात ना जागया कर हुण इत्थे रब दा महबूब ना प्यार हुण महबूब ने आसमान वल वेख्या ते अर्ज कीती वला या उद हु हिफ्ज़ो हुमा अर्ज कीती ऐ जमीन ते आसमान दी हिफाजत करन वालिया जे जमीन ते आसमान दी हिफाजत कर दे तू नहीं थकदा तेरी इबादत कर दे मैं कदों थक चले आऊं सुभान अल्लाह उस वेले कौन है दिवाली ने आसमान वल वेख्या ते एक अरीजा पेश कीता बड़ा कुरान जा खुश सुभान अल्लाह तू नहीं बोले तू सुभान अल्लाह हाथ चौके बोलो मैनू पता लगे मैं अपनी जूदी जागदी कौम च बैठा या अल्लाह जेड़ा इस तो ऊंचा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज कर दे हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ च अपनी अम्मी ते अबू नाल लुकदा करके आवे या अल्लाह जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवे ख्वाब च कमली वाला याद आवे तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जागदे महफिल च कमली वाले दा दीदार नसीब कर दे कौन है दिवाली ने अज कीती है अल्लाह सलाती व नसीबी व महिया अल्लाह ने साद फरमा सलाम होवे तेरे आम दे दिल ते तेरे जामन दे दिल ते सुन्नी मामा दे पुत्रो जे रब महबूब नु भेज के सलाम आके ते आ जिना गुनाहगारा दी बख्शिश दी माफी आया उना नु मिलाद ते सलाम नहीं करना चाहिए सुभान अल्लाह वो कहंदे ने कुरान च मिलाद किथे दा मिलाद किथे दा सारा कुरान है मोहम्मद दा मिलाद अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लेके मन्नात दी सीध दे घेरे तक ए सारा कुरान ही मिलाद है नया मोहम्मद बख्श फरमांदे ने ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आनिया सुभान अल्लाह तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਦੇ ਬਾਰੇ
سارے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے آخیا سی میرا سارا ناتیا دیوان ایک پاسے تے میاں محمد بخش دا کلا شعر ایک پاسے حضرت پیر باہو کو کروا کے دے بالکل میلاد نہ منائیے آئے اسی ساری امت تو آخر وچ آ تے جنت وچ اسا سارے تو پہلے جانا پیر باہو فرماتے نے میں قربان تے نہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو سہارا مطلب سونا فرماتے نے سہارا ہو فرماتے نے میں قربان تنہا بھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی کیوں نہ میلاد منائیے کیوں نہ میلاد منائیے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اج جڑیاں اینیاں گناہاں دے باوجود تیری میری شکل نہیں نہ پئی بدلدی اک کرم مصطفیٰ دا سی کیوں نہ میلاد منائیے سبحان اللہ دیوارے کعبہ بنا رہے اس رات یہ مطلب نہ سمجھو کہ وہ عورت نو گھر چلا چھوڑ گئے نہیں نہیں گھر کیڑا کعبے تو دور ہے نبی پاک دی امی جان فرما دیا کہ اس رات میں رات جا رہی تے دن آ رہا تے او ویلا آیا جنو ساڈے اے بابا نظر ورگے چٹیاں داڑیاں والے بابے کہندے نے نور پیر دا ویلا بولے نہیں سبحان اللہ بھائی نور پیر دا ویلا
नौजवान सुता वे ते माई कहंदी है उठ वे नमाज पढ़ पुत्र नूर पीर दा वेला हो गया है तेरे औं तो सदके जावा जेडे वेले आया ओनु नूर वाला बना देता है नबी पाक दी अम्मी फरमा रही है रात जारी ते दिन आ रिया ते मेनू इंज लगा जिवें पुत्र दे आवन दा वेला हो गया आ फरमा दी मैं रोन लग पई सलाम दी बीवी सारे नबिया दी मां हजरत अम्मा हवा आ गई ओ यार हजरत आसिया 70,000 नबिया दी दादी जवान किया फिर मरियम ईसा की मां आई उस मां के पख्तों को सदके जावा जिसकी खिदमत लई नबियां दी मावां आ जान सैयदा आमिना फरमा दिया वो चारे औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठ गई खारज मिन्नी नूर फरमा दिया फिर मैं नूर नु जन्म दिता नूर नु जन्म दिता जड़ा नबी नु नूर ना मन्ने उहदे चेहरे ते नूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नगरी वाले आज जरा तो हाड़े ते मेरे अंदर सवेरा है एक कमली वाले दा नहीं ते होर के दे सवेरा ना ईमान दा ओ बंदा हाथ उठा कुरान मजीद ने फरमाया
अल्लाह फरमाता है कयामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते मेरा जी करदा जदों कयामत नूं अल्लाह हाथ नूं पुछे की करदा सी, ते हाथ इह ना आखे इह मफले चों जुत्ती दूसरे दी पा के जांदा सी, इह मोबाइल कढ लैंदा सी, इह पट्ठे बगाने वड लैंदा सी, नहीं हाथ आखे माफ कर दे जो भी करदा सी। पर जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी, मैं उचा उचा हो इत्थे हाथ लाके तो सारे मिलके पढ़िए मेनू बनवाया अल्लाह ने, जिन्हें मजदूरी की थी उदा ना इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जिन्हें बनाया उदा ना इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तेरे घर वाल सजदे पिया करना मेनु बसाउन आ गया हबीब। इतने इमाम इबन हिशाम ने एक बड़ी मोहब्बत की बात मिठी जी लिखी। नबी पाक की अम्मी जान ने उस वेले तो छोटी जी बच्ची मोहल्ले की बुला के ना फरमा दौड़ के जाते दाता जी बुला के बच्ची जाके कह लगी कि बाबा जी जल्दी आयो, अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्र अता किया। बाबा होवे 90 साल का, पुत्र होवे 10, सब तो छोटा होवे अब्दुल्ला, लाडला होवे अब्दुल्ला, सोहना होवे अब्दुल्ला। वो अब्दुल्ला शादी तो 3 महीने बाद 25 साल की जवानी च दुनिया तो टुर जाए, तो उहदे जामन तो बाद अल्लाह नूं मुहम्मद दे दे। दादे नूं खबरे किवें दे चाचा रहे
बच्ची कहने लगी पापा जी जल्दी आयो, पर अल्लाह ने बड़ा सोहना पोता अदा किया। हजूर के दादा जी मैं इतनी कहता दौड़ दे आए क्योंकि अरब के सरदार सन, दौड़ना उन्होंने अजमत उन्होंने जलाल के जाहो जलाल के सामने चुके माने से बड़े तेज तेज कदम चलते घर आए। दरवाजे च पहुंचे तो नबी पाक के दादा जी फरमाते ने मैं अंदर दाखिल होव लगा तो इस तरह ना किसी गैबी चीज ने मेरे सीने से हाथ मार के थका मारिया। आप फिजा वाल वेखे फरमाते ने थके ना मारो, मेरा पुत आया मैं देखन आया। गैब तो आवाज ही चम चम वेख्या जे, पर पहले अरशी वेखन गए फिर नबी करीम दे ताता जान अंदर तशरीफ लेके गए। सैयदा आमिना दे मत्थे ते प्यार करके ना ते फरमान लगे ले आ आमिना मेरा पुत्र मेरी गोद च दे दे। सैयदा आमिना ने कमली वाला चुके जदों हुजूर दे दादा जी दी गोद च रखिया ते नबी करीम ने बिकरी अरे सलात व सलाम दी अम्मी जान दी अखां विच ना चम चम अथरुआं दी कतार है। हाथ चाह के बोलो ते जाग के बोलो सुभान अल्लाह। घोड़ सवार उस दरख्त दे साए थले कुड़े ते घोड़ा ही थक के डिग पवेगा साया फिर भी खत्म नहीं हो। एक बारी सुभान अल्लाह कही ते जन्नत च कुदरत लगदे लाहौर बैरियर टाउन 10 मरले का प्लाट निकले DHH निकले ते रात नींद नहीं आती कि मैं इतना अमीर हो गया ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए सुभान अल्लाह। बाग लगा के जाओ जन्नत च उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, बहुत उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले कुछ ना बोले मत कि तेरे तुहानू नजर ही ना लगे सारे बोलो सुभान
میں الحمدللہ ہر سال محلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا تے میں اتھے جا کے لمبے لمبے سانس لینا تے میں کہنا ان ہواواں وچ میرے نبی دے سامنے دی خوشبو ہے میں کہنا وہ پتھر ویکھ کے آواں جڑے پتھر میرے نبی نوں بیٹھے ہو سکدا کسے پتھر تے میرے ماہی دی نگاہ پئی ہوے میری نگاہ اوتھے ہی پہ جاوے تے میں آ کے کہواں جن اکھیاں نے دل بھر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئی آپ ارشاد فرما دیا میرے قبیلے دے اندر میرے علاقے دے اندر قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی تے لوگوں نوں کھاون نوں لقمہ نہیں ملتا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس فرما دے اور علامہ صفوری نے لکھا کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر دیا اما حلیمہ فرما دیا کہ انہ دنے جو میرے تے پیر در پہ مصیبتہ نازل ہو گئی میرا شوہر حارث بیمار ہو گئی بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا وہ شکر ہاں جڑا غریبی وچ وی رب دا کر رہی ہے جے برکتاں لے رہی ہاں تے مکے آ جا مکے اک برکتاں والا رسول آ گیا اما حلیمہ فرما دی میں صبح اٹھی تے اپنے شوہر حارث نے مشورہ کیتا کہ مینوں اس طرح دا خواب آیا تے سانو مکے جانا چاہیے یقیناً سانو اتھوں برکت ملے گی پتہ چلیا کہ محلے دی نو عورتاں بھی مکے بن جا رہی ہیں امیراں دے بچے لے کے پالن واسطے ہوے نہ تے اسی بھی کسے امیر دا بچہ لے کے پالیے او چوہدری سانو کچھ دےوے گا تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے گا اما فرما دیا نو میرے محلے دیاں عورتاں تے میں تے میرا شوہر تے میرا بیٹا تے آ فرما دیا ایک گدی جدے تے سامان رکھیا تے ایک اوٹنی ایک پنج روح اسی گھروں نکلے اما فرما دیا میری چونکہ اوٹنی دی لت ٹوٹی اسی بار بار پیچھے رہ جانے ہیں میری سہیلیاں میرے نال ملا دیا پھر پیچھے پھر ملا دیا پھر پیچھے پھر ملا دیا پھر پیچھے آ فرما دیا آخر میں چھوڑ کے چلیا گئیاں تے میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ وہ مکے چو امینہ دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہا دل تے اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امینہ دے بچے تے کی لے چلی میرا کی بڑھے گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رواج یہ سی کہ تائیاں آ کے کعبے دے سینے چ بیٹھ جاتی گا تے جن نوں تائی دی ضرورت ہوندی نا وہ آ کے تے اپنی من پسند تائی لے جاندا ہے اما فرماتے ہیں جدوں میں کعبے چ پہنچی اس ویلے ادھی رات دا ویلا سی اندھیرا بندہ پرندہ کعبے دے ویڑے چ کوئی نہیں حرم دے دروازے چ کھلو کے اما رو کے کعبے ول ویکھیا تے کعبے ول ویکھ کے کہندی ہے اونج بھی ماڑا بنایا تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا اما حلیمہ رو پئی ہماری مرو کے کعبے کا پردہ پڑ کے کہنے لگی میں کعبے والے بڑی دوری آئی ہماری میں شکے کا شبی والے رو کے کہنے لگی میں کعبے والے میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی تہ تہ گیا ہے کہنے لگی ربا میرا شوہر بھی بڑا بیمار ہے میرے پتر نے آج بڑے دل گزرے دکھ نہیں پیتا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لگ بھی ٹوٹ گئی
तेरी दुआ एडी जल्दी कबूल हो जानी। सुभान अल्लाह। ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਮਾਲੀ ਮਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਹਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਦਾਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ ਕੋਈ ਦਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਮਾਲੀ ਮਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਅਮਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਹਿਲਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਾਦੀਆ ਸਾਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੱਛੇ ਦਾ ਮੇਰਾ विचार भी करती जावा दलील करती जावा सोचा सोचती जावा काबे के चौधरी मुतवली ने अरब के सरदार ने इन्हों का पुत्र मैं ले चली हाँ तो जाके आखांगी पोतरा ते पाल देवांगी पर मैं इन्हीं बकरियां लैनिया थोड़ी देर बस है आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी आवाज़ है हलीमा अंदर आ जा नाले अपने आप नीड़े अपना गोटा लगा के पंगूड़ा रोकिया इस तरह करके हजूर गोदी चो चुकिया ना इस तरह करके हलीमा कहती जो मैं हजूर दे रुखे अनवर तो कपड़ा चाहिया ना ते मैं ते दिल फड़ के बह गई अमालीमा परमादिये फरमा वेखा एक माह के मदन गोरा सबदन मीठी नजरे कुल की खबर एक माह के मदन गोरा सबदन मीठी नजरे कुल की खबर एक माह के मदन के
कमली वाले दे लंगर तो सुन नहीं वहां का पुत्र बोले सुन गर्मिया छुट्टियां होंगे ना स्कूल पता है पुराने जमाने जमाने दौर बदल के ना बुजुर्गों के साढ़े बचपन असा देखा कि नानिया दूसरे फिर लैन आ गया है तीन तीन महीने गर्मिया छुट्टियां बच्चे नानके गुजार के हम तो सुबह मेहमान आ जाए घर वाले नानिया दोतरे नूं लैन आउंदियां सन तीन तीन महीने बच्चे नानके गुजार आउंदे सन पर नानी जब दोतरे नूं लै के टुरदी सी ना ते बच्चे दी मां नूं पता हुंदा सी कि मेरी भी मां है पर फिर भी नानी जब टुरना ते मां ने रो के पत्ते पर बच्चे दा मच्छा चुम के ना ते कहना अम्मा ए मेरे पुत्र दा ख्याल रखे यकीनन जब हलीमा लैके टुरी होगी सुन सैयद आमिना भी आखिर ही होगा हलीमा मेरे मुहम्मद का ख्याल रखे तो फरिश्ते झुक के आखिया होगा आमिना फिक्र ना कर
हलीमा मुहम्मद का की ख्याल रखना कि साडा माही ला चलिए हुन असें हलीमा का ख्याल रखना सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा गोदी च उठा के ना हुजूर ने जब गली च निकली ना मक्के दी ते ओ ऊंटनी जनो बंद के आई असन गली विच ओ जदी लत टूटी अम्मा हलीमा फरमाती है रिवायत च मैं पढ़या कि उस टाची ने सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते टाची सिर चुकी कर दी ना किधरे ओए ते नहीं आ गए सुभान अल्लाह शुक्र अदा करा मेनू की पता सी मैं खोजी दी सवारी ली नबियां दा दूला पिया मेरी मिल्लत दे नौजवानों आज कई बदबخت अपनी किताबें च लिखे ते तकरीर च कहंदे ने नबी दे मापे माज़ल्ला अलियाज़ु बिल्ला कहंदे ने नबी दे मापे मुसलमान नहीं उन्हें कहड़ा नबी दा कलमा पढ़िया वो कहंदे नबी दे मापे पुत्तां नूं सजदे करदे सन मैनूं सच्ची दस्सिओ पढ़े लिखे बैठे हो पर जिहड़ी ऊंटनी ते दो गड़िया मेरा नबी बह जाए वो ऊंटनी नूं पता लग जांदा काबे वल मूंह करके सजदा करना है ते जिहड़ी मां दे शिकम च 9 महीने वसिया उहनूं नहीं सी पता किधर मूंह करके सजदा बड़ी मिठी गल लिखी कि अम्मा हलीमा फरमा दी मैं बाहर निकली तो मैं ख्याल आया इन्नी दूर दूर तो लोग लख रुपये लगा के काबा वेखन आते हैं हलीमा सबाब ना मके आई है काबा ही वेख जा काबे का तवाफ ही कर जा आ फरमा दी मैं काबे चाई नबी पाक ने गोच लैके फरमा दी मैं तवाफ के काबा किया तवाफ करके दिल करे हजरे असवद का बोसा ही ला लवा हजरे असवद चुमन गई तो रश बड़ा थोड़ा रश आ फरमा दी ख्याल आया बच्चा गोदे च धक्का लगेगा उथे बैठ जानी है जो रश थोड़ा वेगा चुम लवानगी आ फरमा दी मैं नबी पाक ने गोच लैके जो नुकर च बैठी अलामा काजी सनाउल्ला पानीपति मुजद्दद दी फरमा दे ने इधर मैं हलीमा बैठी ते कुछ हजरे हजरे असवद ना वापस दौड़ के जाके काबे की दीवार से नसब हो गया हजरे असद चो आवाज आई दुनिया वालियो तुहाडा अज मेनू चुम के होंदा मेरा अज मुहम्मद चुम के
हूं हाथ चुके बोलो मैं कुछ नहीं कहता होर उचा बोलो सुभान अल्लाह मेरा शोहर अगे बैठ गया मैं पिछे हजूर गुज लैके बैठी ऊटनी उठाते उठती नहीं हारिस कह लगे ऊटनी मेरी है कि तुहाडी है ते हजूर दे दादा जी टुरे आते ते फरमांदे ने पोतरा मेरा है कि तेरा है आके करीब आके फरमा लगे हलीमा क्यों लेके पीछे भी बैठ गई सफर बड़ा बुरा कले जाना पड़ा अम्मा फरमा दी एक ही ख्याल है जो मेरे जहन में मैं अचानक देखा नबी पाक ने मेरी गोद चो अपने जो दुल्हा के गोरे गोरे हाथ निकाल के ना इस तरह करके दाची की मुहार पकड़ी अम्मा कहें मेरे ख्याल है सोने मैं तो वट वट रस्सिया दवाजा बनाइया तेरे नबूबत के नाजुक जे हाथ किधर तकलीफ ही ना हो अम्मा कहें इस तरह करके मैं हाथ छुड़ा के गोदी चुकी था नबी पाक मेरे वाल देखिया आप फरमा दी मैं तो नबूबत का जलाल बर्दाश्त ना होया मैं हाथ छोड़े सोने फिर मुहारा पकड़ लिया मैं फिर छुड़ाया सोने फिर वेखिया मैं फिर छोड़े फिर पकड़े फरमा दी तीसरी बारी छुड़ा लगी ना अमालीमा फरमा दी कमली वाले मेरे वाल वेखिया मैं समझ गई कमली वाला प्या आखदा अम्मा ये बागा तू फड़िया पिछे रह जाएगी बागा मुहम्मद नो फड़ा ते जे सारियां तू पहले ना पहुंचावा मुहम्मद कौन ना बागा फड़िया सोने उंज मेरी मिल्लत दे नौजवानों कमली वाले दसिया ओ मेरे गुलामों मैं टूटी लत वाली डाची दियां बागा फड़ लवां ते पिछे नहीं रहन देंदा तू अपने टूटे फुटे अमल लेके आ जा बस अपनी हयाती की वाग मुहम्मद नो फड़ा दे जे सारे तो पहले जन्नत ना लेके जावा तो मुहम्मद की गुलामी कर दे बस फिर डाची दियां वागा फड़िया सोने ते डाची दौड़ी इंज दौड़ी इंज दौड़ी मैं किताब च पढ़िया अगे नु खान नु नहीं मिलदा हुण कदम रख के चुक दिए ते नीचे तो सब जा लो पैंदे यानी हुण ओदे कदमा दे नीचे प्यार रल जा आप फरमा दिया डाची दौड़ी दाइया जड़िया तीन दिन पहले मक्के चो टुटी है ना अम्मा हलीमा दी डाची जदों छां करके कोलू गुजर गई एक दाई दूसरी नु कहन लगी नी मथा चुम के अखा
च मेरे आका ने पूछा मैं रोई क्यों, कहंदी माड़ी जो होई। अच्छा फिर रो ना, मैं आया ही माड़े हो कखा की कुंडली माड़ी जी। आख्या मत रो ना, मैं कोई दुनिया का सोहना, दुनिया का सोहना सोहनी जगह से बह के सोहना लगता है, मैं रब का सोहना वाही हाँ, जिथे बह जावा जगह सोहनी बना दे। एक बार कुंडली चला जा, फिर वेखी अरशा के फरिश्ते तेरी कुंडली का तवाफ कर आवे। बस फिर अम्मा हलीमा लै गई कुंडली बेच, सारी रात लोरियां दित्तियां। इत्थे आला हज़रत दे वालिद गिरामी मौलाना मक्की अली खान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत दे वालिद गिरामी, एक बड़ी मुहब्बत दी बात सुरूरुल कुलूब ज़िक्रुल महबूब विच लिखी। आप फरमांदे ने कि अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवांढण सी ना, उह अम्मा हलीमा दी सक्की भैण सी। उन्हां दा नाम सी हज़रत खौला सादिया। ए हलीमा सादिया उह खौला सादिया। सुबह सुबह खौला अम्मा हलीमा को लाके कहण लगी, हलीमा तू बड़ी अमीर नहीं हो गई? फरमांदी क्यों? कहण लगी तेरे कोल ते पैसे नहीं सन आउंदे कि दीवे च तेल पा के बाल लवें ते सारी रात दी दीवा भी रख लईए। अम्मा हजूर दे चेहरे तों कपड़ा चुक के फरमांदी, जदों दा आ सोना आया मैं दीवा ही बालना छड्डदा। सुभान अल्लाह। सारा दिन मुनीबा चेहरे दा दूरे। सत बकरियां सन अम्मा हलीमा कोल, किन्नियां? बर्तन मुक जाते, बकरी चो दुध नहीं मुकदा। इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया, आंढ गुआंढ दी औरत अपने बच्चों नूं मार मार के कहंदियां वे तुसीं भी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां। बच्चे रो रो मामा नूं कहंदे ने, अम्मा उत्थे ही चारने आ, फर्क इहना तेरियां बकरियां मैं चारना, हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा। अम्मा हलीमा फरमांदी, फिर मैं अजीब नज़ारे वेखण लग पई। एक दिन पंगूड़ा फरमांदी, मैं दीवार ते ना लगा के कम पे करा, ते अचानक मैं वेख्या कि दीवार ए इस तरह करके पंगूड़े दे उपर उलट गया। मालिमा फरमाती है, मैं डर गई किधरे दीवार डिग न जावे, दौड़ के पंगूड़ा फड़ के इधर किया तो दीवार सीधी हो गई, तो दीवार तो आवाज़ आई मैं कोई डिगन लगी सी, मैं तो साया कर लगी। अम्मा फिर अजीब, मैं वेख्या अम्मा हलीमा के घर के करीब ना एक कुआं है, वह हूँ तो इन्होंने खत्म कर दिया, दो तीन साल पहले मौजूद सी, मैं ज़ियारत की। वह कुआं से जिते नबी पाक बकरियों को पानी पिलाते सर। अम्मा हलीमा के नालों जी नौ औरत मक्के तो बच्चे लैके गई, पिछड़ियाँ होकर एक दिन अम्मा हलीमा को लाइया। कल गई हलीमा, आज जो बच्चे से मक्के तो लैके आई, पेशाब कर देते हैं, कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब होते हैं, तो असं कठिया होकर ना एक ही कुएं ला के तो उ बह के नाले कपड़े धो लेनियाँ, तो नाले दुखा सुखा दी कर लेनियाँ, पर तू कद नहीं आई। अम्मा हलीमा फरमा दी, मैं कदे लौड़ ही नहीं पी, मैं कदे एक कह लगी नहीं अली मां, तेरा भी मकी साडे भी मकी ने, तेरा भी अरबी साडे भी अरबी ने। अम्मा ली मां फरमांदियां ने, तुआडे भी मकी मेरा भी मकी, तुआडे भी अरबी मेरा भी अरबी, पर तुआडे मेरे वर्गे नहीं, मेरा तुआडे वर्गे नहीं। कह लगी अली मां फरमांदी फरमांदियां ने, तुआडे पाक कपड़े भी तरीब कर देंदे ने, मेरा मुहर्रम ते पलीता नु भी पाक। I'm not left out. It's even better.